मिलन जी, हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको अपने पशुओं के लिए जो हरा चारा होता है उसके रूप में क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं और क्या क्या खिलाना चाहिए। आमतौर पे किसान जो फसलें उगाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तो खिलाते ही हैं, पर इसके साथ साथ जैसे जो जंगली जानवर हैं, अगर हम पशुओं की बात करें जो जंगल में रहते हैं, उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनको तरह तरह के पेड़ों की पत्तियाँ और पौधों की पत्तियाँ खाने को मिलती हैं, तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसा ही मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप जानवर पालना चाहते हैं, पशुपालन में अच्छी तरह से उनका स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो चारे के साथ साथ अगर आपके पास ज़मीन है तो कुछ पेड़ ऐसे ज़रूर लगाएं, जैसे जामुन है, मोरिंगा, सहजन जिसे कहते हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा, सहजन लगा हुआ है, जामुन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, शहतूत के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, ये सारे पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ पशु का पेट भी भरती हैं और उसी के साथ साथ बहुत अच्छी कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स और विटामिन की मात्रा भी उनके शरीर को नेचुरली मिल जाती है। आपने सुना होगा कि गाय के अच्छे रखरखाव के लिए कि वो हमेशा हीट पे टाइम पे आए, उनकी साइकिल मेंटेन रहे, कहते हैं कि उनको कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर हमेशा देते रहना चाहिए। अगर उन्हें ये पत्तियाँ खाने को मिल जाए तो कृत्रिम रूप से बने हुए, मतलब केमिकली प्रिपेयर्ड या फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड जो कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर है उसकी हमको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सारे जो पेड़ हैं, खासकर मोरिंगा का पेड़, ये जो सहजन का पेड़ है, ये बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स का। अगर ये हम प्रचुर मात्रा में अपने पशुओं को दे पाएँ, और भी पेड़ों की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ अगर देंगे तो उनको डिवॉर्मिंग की जो हम गोलियाँ देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरसों का तेल, हींग और नीम, ये अगर आप मिला के देते रहें तो डिवॉर्मिंग की जो एलोपैथिक की गोली है वो कभी हमें देने की ज़रूरत ही ना पड़े। साथ ही साथ सहजन के पेड़ में बहुत अच्छा कैल्शियम कंटेंट होता है, जामुन के पेड़ की पत्तियाँ आपके पास, शहतूत के पेड़ की पत्ती है आपके पास, आंवला, आंवले के पेड़ की पत्तियाँ और साथ में आंवला फल भी अगर कभी कभी खिला पाएँ, और इन्हीं के साथ साथ थोड़ा सा कहीं कहीं पे आप अपने यहाँ या चाहे किन्नू, नींबू, ऐसे किसी फल का भी पेड़ ज़रूर लगाएं, जो आम तौर पे मास्टाइटिस की एक समस्या लोग बोलते हैं कि उसमें थन में बैक्टीरिया का इन्वेजन हो जाता है, तो उसमें उनकी पीएच मेंटेन करने के लिए कई तरह के ऐसे पाउडर आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, सिट्रेट, वो बेसिकली क्या है, यही नींबू या संतरा या मौसमी, ऐसी कोई चीज़ आप अगर अपने पशु को खिला पाएंगे तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं होगी। दवाइयों से हटें और पेड़ पौधों से अपने पशुओं का पालन सीखें। आशा करते हैं हमारे किसान भाई समझेंगे और वो हरे चारे में ये सब चीज़ें अपने खेतों के आसपास उगाएंगे और अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल खबर किसान की। धन्यवाद।